एक और भी बड़ी छोटी सी चीज है जिस माध्यम से आपका भाग्य चोरी हो जाता है, वो चीज है कलम, पेन। पेन के माध्यम से, कलम के माध्यम से भाग्य कैसे चोरी होता है? आपकी कलम का आपके भाग्य से क्या संबंध है? देखिए, विद्वान और बुद्धिमान आदमी हमेशा लिखने पढ़ने के लिए एक ही कलम का इस्तेमाल करते हैं, कलम में बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आप अपनी कलम किसी और को दे देते हैं लिखने के लिए, एक तो ऐसा करिए मत, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, या रोज आपकी कलम बदलती रहती है, या आपकी कलम अक्सर खो जाती है, तो इससे आपका भाग्य चोरी हो जाता है। अगर आपकी कलम रोज खोएगी, रोज गायब होगी, रोज आप कलम बदलते रहेंगे, आपका भाग्य कभी स्थिर नहीं होगा। हमारी परंपरा कहती है कि वसंत पंचमी पर या चित्रगुप्त भगवान के पूजन के अवसर पर हम एक कलम उनको समर्पित करते हैं और उसी कलम का प्रयोग हम वर्ष भर, पूरे साल भर करते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आप अपनी कलम माता सरस्वती को या चित्रगुप्त भगवान को अर्पित करके साल भर उसी कलम का प्रयोग करते हैं, तो ये कलम बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस कलम को कोई कितना भी मांगे मत दीजिए, दूसरी कलम इस्तेमाल करने के लिए दे दें, लेकिन जो कलम आप, जिस कलम से परमानेंटली लिखते हैं या जिस कलम से आपने पूजा की है, ऐसी कलम मत दीजिएगा, आपका भाग्य चोरी होगा। और कलम के माध्यम से जब भाग्य चोरी होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। जिन लोगों के पास कलम नहीं टिकती या जिनकी कलम स्थिर नहीं होती, वो पैसे की बचत कभी नहीं कर सकते। किसी आदमी के पास पैसे की बचत कितनी है, अगर आपको जानना है, उसकी कलम का हाल जान लीजिए, आप उसका हाल भी जान लेंगे। अपनी कलम जब भी आप किसी को देते हैं तो उसकी कैप निकाल करके दीजिए। अगर कैप वाली कलम है तो उसकी कैप निकाल लीजिए और फिर वो कलम आपको देनी चाहिए। और कैप ना हो, ऑन ऑफ करने वाली कलम हो, तो कलम को ऑन करके तब उसको दीजिएगा। कलम को देने के मामले में बड़ी सावधानी रखिए, दो कलम रखिए, कोई मांगता है तो दूसरी कलम दीजिए, और जिस कलम से, जिस पेन से आप रेगुलरली लिखते हैं, वो पेन किसी और को मत दीजिए। अगर कलम देने के बाद आपका भाग्य चोरी हो गया है तो एक नई कलम खरीद करके किसी बच्चे को दे दें या किसी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को दे दें, आपका भाग्य वापस आ जाएगा। वैसे तो ऐसी गलती करिएगा मत, क्योंकि कलम के माध्यम से जब भाग्य चोरी होता है तो बड़े लंबे समय तक करियर में और आर्थिक स्थिति में रुकावट आ जाती है। और आपको जैसे ही ये लगे कि मेरे भाग्य में रुकावट आ रही है, एक नई पेन खरीदिए, पढ़ने लिखने वाले छात्र को या पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को दे दीजिए, आपका भाग्य वापस आ जाएगा।